हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मान वर्ग और आप देख रहे हैं जीके विद मानू चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे ईबीएस और मैथमेटिक्स के 40 आईएमपी क्वेश्चन जो सीएम राइज एंट्रेंस परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करना नहीं भूलिए। चलिए साथियों, अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन जैसा कि दिया है कि सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है उसका आविष्कार कहाँ पर किया गया था। तो ओजोन क्षेत्र के लिए ये सबसे प्रभावी गैस है, जो कि ओजोन क्षेत्र जो हुए हैं उसमें वो किस गैस के कारण हुए हैं, सीएफसी गैस के कारण हुए हैं। तो इस गैस का जो आविष्कार हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर है साथियों, सी, अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1978, 76, 80 और 1982 में। तो इसका सही जवाब है साथियों, सी, 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट, अगला सवाल दिया है, राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यून एक्ट पारित किया गया था, तो ये कब पारित किया गया था? 1980, 88, 1995 या 92 में। तो इसका सही जवाब है साथियों, 1995 में यह पारित किया गया था। नेक्स्ट, अगला जी है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित कब हुआ था? तो ये वन्यजीव संरक्षण जो वन जीव जंतुओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए यह अधिनियम, जैसा कि ऑप्शन दिया 1970, 72, 75 और 78, तो 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। मध्य प्रदेश सरकार ने इसे 1974 में अपनाया था। तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट, जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था? जल प्रदूषण नियंत्रण निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसके ऑप्शन जैसा कि इसमें दिए हैं, 1972, 74 और 1976, 1978, तो ये 1974 में पारित हुआ था। आपको ध्यान रखना, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1974 में। नेक्स्ट, अगला सवाल दिया है, वायु प्रदूषण नियंत्रण निवारण अधिनियम पारित हुआ, तो वायु प्रदूषण अधिनियम नियंत्रण पारित जो हुआ था वो कब हुआ था? 1981, 1982, 1987, 1988, तो 1981 में यह पारित हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ए, 1981। नेक्स्ट, पर्यावरण अधिनियम कब पारित हुआ था? पर्यावरण अधिनियम जो पारित कब हुआ था, तो इसका सही जवाब है साथियों, सी, 1986 में पर्यावरण अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट, वायुमंडल के किस भाग में ओजोन गैस पाई जाती है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, बाहरमंडल। तो समताप मंडल में यानी ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, जो कि 130 से 140 के मध्य, इसकी 135 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। अगर किलोमीटर में पूछा जाए एग्जैक्ट इसका जो मान है 135, और वैसे नॉर्मल तौर पर 130 से 140 किलोमीटर के मध्य ओजोन गैस की परत पाई जाती है। इसके बीच सघनता रहती है सबसे अधिक, तो समताप मंडल मैं पाई जाती है ओजोन गैस की परत। नेक्स्ट, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जल संरक्षण की महत्वपूर्ण विधि कौन सी है? जल संरक्षण की, तो वाटर हार्वेस्टिंग ये विधि है, और इसका सही जवाब है साथियों, जो जैसे कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो सभी लग रहा है, तो इसका राइट आंसर है साथियों, देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। जल प्रदूषण को रोकने के लिए भौतिक रासायनिक विधि है, जल प्रदूषण को रोकने के लिए भौतिक रासायनिक विधि है आयन विनिमय विधि, ओजोनीकरण, क्लोनीकरण, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब है साथियों, उपर्युक्त सभी। तीव्र अल नीनो के आने का वर्ष है, तो भाई साथियों अभी अल नीनो का मौसम भी चल रहा है, जो कि उड़ीसा के तट पर आया हुआ है, और तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर, तीव्र अल नीनो के आने का वर्ष क्या है? तो इसका सही जवाब साथियों, 1982 में सबसे तीव्र गति से आया था। अब नेक्स्ट, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल में सूर्य की परावैगनी किरणों से रक्षा करने वाली गैस है, तो साथियों वायुमंडल में सूर्य की परावैगनी किरणों से रक्षा करने वाली गैस कौन सी है? हीलियम, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन। तो वायुमंडल में सूर्य से आने वाली परावैगनी किरणें, जो अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं, उनको रोकती कौन सी गैस है? तो ओजोन गैस रोकती है, जो कि छतरी गैस कहलाती है, ओजोन गैस या छाता गैस कहलाती है, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों को रोक करके वहीं से परावर्तित कर देती है। तो थोड़ा सा इसे समझते हैं साथियों, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट जो किरणें होती है, समताप मंडल में ओजोन गैस की जो परत होती है, इसे टकरा करके ये यूवी जो किरणें होती हैं अल्ट्रा वायलेट, वो टकरा करके वापस लौट जाती हैं, और पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्ति सुरक्षित रह जाते हैं। अगर यह किरणें डायरेक्ट अगर आ जाती हैं तो ये तो स्किन संबंधी बहुत सारे रोग हो सकते हैं, कैंसर भी हो सकता है। तो
अगला इसका, तो इसका राइट आंसर है बी, ओजोन। अगला दिया है भारत में चक्रवात से प्रभावित राज्य कौन कौन से हैं? ओडिशा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, ये सभी। तो ये सभी तटवर्तीय राज्य हैं और ये चक्रवात से प्रभावित होते रहते हैं, जैसे कि अभी आज ही कल में जो ओडिशा के तट पर चक्रवात आया है। और तो इसका राइट आंसर है 133 का डी, ये सभी। भूस्खलन से प्रभावित राज्य है, भूस्खलन से प्रभावित यानी लैंडस्लाइड सबसे अधिक होती है तो उत्तराखंड में होती है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो सबसे अधिक जो होती है भूस्खलन वो उत्तराखंड में होता है। और इसका राइट आंसर देखते हैं 134 का जो सही जवाब है साथियों सी, उत्तराखंड। नेक्स्ट अगला दिए है क्योटो, क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार कब तक ग्रीन हाउस गैस में कमी का प्रस्ताव है? तो इसके जो सन दिए है 2010, 2012, 2015, 2020। तो इसका सही जवाब है साथियों बी, 2012। नेक्स्ट अगला दिया है जल संरक्षण का उपाय है, जल संरक्षण का उपाय क्या है? तो जल संरक्षण का उपाय, जल में अपव्यय पर रोक, जल प्रदूषण पर रोक, जल के प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी ही ये है। नेक्स्ट रेडियोधर्मी प्रदूषण से बचाव का तरीका है क्या? रेडियोधर्मी से बचाव का तरीका क्या है? तो ये सभी इसका राइट आंसर है रेडियोधर्मी से बचाव के तरीका। नेक्स्ट नाभिकीय दुर्घटना, नाभिकीय दुर्घटना में रेडियो धर्मिता का दुष्प्रभाव है क्या? पृथ्वी के तापमान में 10 से 14 से डिग्री सेल्सियस की वृद्धि, पौधे में कार्बन के जटिल यौगिक का निर्माण, शिशु विकलांगता में वृद्धि, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ये सभी कारण हो सकते हैं, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट वर्तमान में ओजोन सांद्रता की इकाई डाब्सन, डाब्सन है और वो कितनी होती है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है 185 होती है। नेक्स्ट डाप्शन है एक स्थान का नाम, अमेरिकी वैज्ञानिक का नाम, प्रदूषित नदी से ओजोन छिद्र की सांद्रता की इकाई। तो ओजोन छिद्र की सांद्रता की इकाई जो ऊपर ही क्वेश्चन दिया था 139, तो इसका राइट आंसर है साथियों 140 का डी, ओजोन की सांद्रता की इकाई। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल जो दिया है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को, 16 जुलाई को, 20 अगस्त को या 16 सितंबर को? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस तो 16 सितंबर को ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष, आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि प्रबल संभावना है। नेक्स्ट ओजोन सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ओजोन सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ओजोन सुरक्षा दिवस जो मनाया जाता है वो, इसका राइट आंसर 142 का बी, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इससे पहले जो पूछा था ओजोन, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये और ओजोन जो गैस है उसकी सुरक्षा का दिवस मनाया जाता है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। सूर्य की परावैगनी किरणों का दुष्परिणाम क्या है? मनुष्य में कैंसर, चमड़ी का जलना, शिशु विकृति, ये सभी। तो ये सभी सूर्य से आने वाली जो हानिकारक परावैगनी किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट किरणें, यूवी किरणें, तो ये सभी प्रकार की बीमारियाँ रोकती है, लेकिन जो छतरी गैस ही बचा सकती है इससे, यानी ओजोन, ओजोन गैस की परत। तो इसका राइट आंसर है साथियों डी, ओजोन परत द्वारा सूर्य से आने वाली यूवी किरणों का कितना भाग अवशोषित कर लिया जाता है? तो ओजोन परत द्वारा सूर्य से आने वाली यूवी किरणों का कितना भाग अवशोषित कर लिया जाता है? 80%, 85%, 98%, 99%। तो इसका सही जवाब है साथियों 98% अवशोषित कर लिया जाता है, 2% ही किरणें पृथ्वी पर आ पाती हैं। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला जो दिया है O3 यानी ओजोन का स्वरूप है कैसा? ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, हीलियम का या कार्बन डाइऑक्साइड का? तो ये जो हाइड्रोजन का स्वरूप होता है ये किसका होता है? ओजोन O3। तो 145 का राइट आंसर है बी। नेक्स्ट अम्ल वर्षा के दुष्प्रभावों को रोकने का उपाय क्या है? वृक्षण रोपण करना, प्राकृतिक ईंधन का कम उपयोग करना, उपभोक्तावादी दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, उपरोक्त सभी। तो जो अम्ल वर्षा एसिड रेन होती है वो एक तो प्रदूषण के कारण होती है, तो वृक्षों को लगाना चाहिए, प्राकृतिक ईंधन का कम उपयोग, तो ये भी सही है। और ये इसका राइट आंसर है सभी, उपरोक्त सभी। अम्ल जल का प्रभाव है, अम्लीय जल का प्रभाव क्या है? त्वचा रोग, मृदा की उर्वरता में गिरावट,
गिरावट हो जाना, स्टोन कैंसर की समस्या, ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ये सभी अम्लीय जो जल जो रहता है उससे क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, तो ये सभी परेशानियां हो सकती हैं। नेक्स्ट है अम्ल, अम्ल सदमा कहलाता है। अम्ल सदमा क्या कहलाता है? तो जल में पीएच मान में ऊंचा उठ जाना, पीएच मान का अत्यधिक गिर जाना, पीएच मान का स्थिर हो जाना, या उपर्युक्त सभी। तो इसमें पीएच मान का अत्यधिक गिर जाना ही क्या कहलाता है? अम्ल सदमा कहलाता है। एसिड रेन का नामकरण किया किसने? रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने, रेवेली ने, वनार्डकी ने, व बड याको ने, एम बड़े याको ने। तो ये किसने किया था? तो इसका राइट आंसर रॉबर्ट यंगस स्मिथ ने किया था। इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कोयले व पेट्रोलियम ईंधन के दहन में वायुमंडल में होती क्या है? वायुमंडल में होती है SO2, NO2, NO2 या ये सभी। तो जो कोयले का दहन होता है, कोयले व पेट्रोलियम ईंधन के दहन से वायुमंडल में होती है क्या? ये सभी गैसें होती हैं। तो इसका राइट आंसर डी। अब देखते हैं गणित के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। तो साथियों, अब मैथमेटिक्स के हम क्वेश्चंस इस वीडियो के अंतर्गत कवर करते हैं। जैसे कि दिया है फीते के चार टुकड़ों की माप 35, 40, 65 और 80 सेंटीमीटर, तो फीते की औसत लंबाई क्या होगी? तो इसमें औसत मान पूछा गया है, तो औसत मान के लिए इसमें जो कुल जो माप दी गई है उनको योग करके और प्लस जितनी संख्या है उनका भाग दे देंगे। तो चार माप दी गई है तो चार का भाग देंगे और टोटल इनको जोड़ने जुड़ेंगे, तो इसे जोड़ जो आएगा 35, 40, 65, 65 और 35 होते हैं 100, और 80, 180 प्लस 40 तो कितने हुए? ये 220 हुए हैं। 220 में भाग देंगे, चार संख्या हैं तो चार पाँच 20, और इसका चार पाँच 20, तो 20 पर यानी 55 आ जाएगा, 55। तो इसका राइट आंसर है साथियों डी। नेक्स्ट, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1/3, 1/3/2 और इतने का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो पहले इसका सही बटा निकालेंगे, तो 5 से कम 5, 5 और 3 8, 8/5 हो जाएगा। वहीं अगला दिया है 8 से 1/2, तो 8 × 2 = 16 और 1 = 17, 17/2 हो जाएगा। चलिए ऊपर का गुणा करते हैं, तो ऊपर का गुणा हो जाएगा 136/10। 2 से कैंसिल करेंगे इसे, 2 × 5 = 10 और 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, 68। 68 में 5 का भाग देंगे तो 12 × 13 = 65, यानी 13 और 5 बचेंगे तो 5 से 3/8, 3/8 ने 3/5, तो 13 से 3/5, 13 से 3/5 है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो 13 से ए। तो इसका राइट आंसर है साथियों ए। नेक्स्ट, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला दिया है साथियों इसमें जैसा कि, तो साथियों अगला सवाल दिया है 3.32 × 236 का 1/4, 196 से कितना कम है? तो इसका 3.32 × 236 का 1/4 1/4 हो जाएगा और बराबर कितना है? 196.88, और उससे कितना कम है? तो ये माइनस एक्स मान लेंगे हम इसे। अब साथियों इसका हम इसे 4 से क्रॉस करेंगे और उसके बाद इधर गुणा कर देंगे, तो ये 4 से हमने इसे काटा, तो काटने के बाद कितनी बार भाग जाएगा? 59 बार। तो ये 59 बार ये कैंसिल हो गया 4 से, ये संख्या, और 3.32 का ये इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 59 का इन दोनों का आपस में गुणा करने पर, 3.32 का गुणा किया तो 196.88 ये गुणा आया और बराबर में 195 आएगा साथियों, ये 195 और 196 ये इधर पहले से ऑलरेडी दिया था, -88 - x। तो x का इधर, इसका इधर पक्षांतर करेंगे तो 196 से 195 जो कैंसिल किया जाएगा तो कितने बचेगा? x का मान 1 हो जाएगा, तो 196 में से 195 घटेगा तो 1 आ जाएगा, तो x का मान कितना आएगा? 1। तो इसका राइट आंसर है साथियों सी।
नेक्स्ट अगले सवाल की 5 अंकों, अगला सवाल दिया है 4409 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। तो इसका 409 से सबसे छोटी संख्या क्या है, तो इन्हीं ऑप्शन में से देख लेते हैं, जो सबसे छोटी संख्या होगी वही होगी। तो 4940 ये और 999 बजाय सबसे बड़ी होगी, ये सबसे बड़ी, तो इनमें सबसे छोटी जो संख्या दिख रही है वो 40009 ही दिख रही, तो इसका राइट आंसर ये भी होगा। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर, निम्नलिखित में से प्रत्येक दशमलव संख्या का सन्निकट मान क्या होगा। प्रत्येक दशमलव संख्या का सन्निकट, तो 7.9 यानी ये 8 के अधिक निकट है, 3.6 किसके 4 के सबसे निकट है। नेक्स्ट अगली 4.3, तो 4.3 भी 4 के ही निकट है, ना कि 5 के। और 7.4 किसके निकट है, 7 के निकट है। और 6.4 किसके 6 के निकट है। और 6.7 किसके निकट है, तो ये 8 के निकट होगी। तो इसमें जो ऑप्शन होगा 6.7 किसके होगी निकट, 7 के होगी, तो ये 7 आएगा, 6.7 किस कौन सा वाला ऑप्शन सही है, 8447667 यानी ए ऑप्शन राइट है। तो 97 का राइट आंसर है साथियों ए। नेक्स्ट अगला सवाल दिया है 31 और 51 के मध्य पूर्ण संख्या कितनी होगी। तो 31 51 के मध्य भाई इसमें से घटाएंगे, 51 में से 31 घटाएंगे तो 20, लेकिन 31 के और 51 का हम देखें तो इनके बीच में जो 32 से प्रारंभ होकर के 50 तक, 32 से 50 तक जो टोटल संख्या होंगी वो 19 होंगी, तो 19 संख्या होंगी। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल दिया है साथियों 70 का संपूरक क्या होता है, 70 का संपूरक क्या होता है। तो दो संपूरक कोणों का योग होता है 180, और 180 में से 70 घटा देंगे तो ये कितना आएगा, 180 में से 70 घटाओ तो 110 बचेगा, तो 110, तो इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट अगला सवाल दिया है तीन बटा दो और 5/7 का योग निम्नलिखित में से प्राप्त हो सकता है। तो चलिए इसका पहले करते हैं 2/3 और प्लस कर 5/7 योग के लिए 7। अब इसका त्रिगुणा कर देंगे तो 2 गुणा ऊपर हो जाएगा, 2 गुणा 7 और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाया, फिर 3 का 5वां गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा तो 3×5 और सभी के बटे में कितना आ जाएगा, नीचे इन दोनों का गुणा कर देंगे 3×7। तो इसका जो ऑप्शन 2×7 है यानी डी वाला ऑप्शन, और 3×5 और 3×7, तो इसमें जो मैच कर रहा है वो डी वाले से कर रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो साथियों मिलते हैं ऐसे ही अपडेटेड वीडियो के साथ, आप हमें सजेस्ट जरूर कीजिए किस टॉपिक पर हम वीडियो और लेकर के आए अधिक से अधिक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय।